चलिए कंटिन्यू करते हैं, सेम चीज है। अब हमारे पास यहां ट्रायंगुलर प्रिज्म है, अभी डिस्पर्शन देखा था, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेवन कलर डिस्पर्शन। अब यहां पे सात कलर आ गए, बैंड्स ऑफ सेवन कलर स्पेक्ट्रम आ गया। वॉयलेट सबसे नीचे है, वाई लेस वेवलेंथ मोर बेंडिंग। ये देखो सेवन कलर्स, 400 नैनोमीटर वॉयलेट, 800 नैनोमीटर रेड। तो वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ है और रेड का ज्यादा, लेस वेवलेंथ मोर बेंडिंग। इसलिए सबसे नीचे सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट का हुआ, सबसे नीचे मोर वेवलेंथ लेस बेंडिंग हाईएस्ट वेवलेंथ रेड, तो उसका बेंडिंग भी क्या हुआ, कम। इसके बाद हमने देखा था आपके लिए यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन, लुक एट दिस। जो लाइट रे स्ट्राइक करेगा वो इंसिडेंट रे, जो बेंड हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और जो लाइट रे बाहर निकल गया उसे इमर्जेंट रे। एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों को, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों को अगर देखा तो एक पॉइंट पे मिलते हैं, वहां एंगल तैयार होता है, और जो एंगल तैयार होगा एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पर जो प्रिज्म का एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। लास्ट पॉइंट था, यह है हमारे लिए एक प्रिज्म सीधा दैट इज कॉल्ड इरेक्ट प्रिज्म, ये उल्टा दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड प्रिज्म। तो एक प्रिज्म को सीधा रखा, एक को उल्टा रखा, व्हाइट लाइट को स्ट्राइक किया, सात कलर में स्प्लिट हो गया। तो व्हाइट का सेवन कलर में स्प्लिटिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब ये सात कलर हमारे नेबरिंग इन्वर्टेड प्रिज्म में जाएंगे तो सातों का कॉम्बिनेशन होगा और सातों कंबाइन होके एक व्हाइट रे तैयार करेंगे। अब एक का सात डिस्पर्शन, पर सात का अगर एक हो गया तो दैट इज कॉल्ड रिवर्शन, उल्टा रिवर्शन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट के उल्टा हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्शन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेट्स कंटिन्यू। अभी हमारे लिए दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई स्टार अपीयर्स टू बी एट लॉन्गर डिस्टेंस देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। जितने दूर तारे होते हैं उससे वो ज्यादा दूर क्यों दिखाई देते हैं? जितने दूर स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो उससे ज्यादा क्यों, उससे ज्यादा दूर क्यों दिखाई देते हैं? Why star appears at longer distance than its actual position? तो जितने दूर है उससे वो ज्यादा दूर क्यों दिखते हैं? Now here we are having star, ठीक है मैं लिख देता हूं स्टार। कहां पे है स्टार? बोले सर स्पेस में है, चलो ठीक स्पेस भी लिख देता हूं। एंड कंसिडर दिस स्टार एज ऑब्जेक्ट। रिमेंबर आपको स्टार क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। कहां पे है? स्पेस। अभी स्पेस रेयरर मीडियम और एटमॉस्फियर क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो अब मैंने यहां पर आपके लिए स्टार से लाइट ली और वो लाइट रे अब हमारे लिए डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी लाइट रे रेयरर मीडियम से कहां पे जा रहा है? डेंसर मीडियम। तुम तो जानते हो, तुम्हें पहले से ही पता है, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? वो बेंड हो जाएगा। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे बेंड हो जाएगा, और जब ये लाइट रे बेंडेड लाइट रे हमारी आंखों पे आएगा, जब ये बेंडेड लाइट रे हमारी आंखों पे आएगा तो हमें स्टार दिखेगा। तो जरा आप ध्यान दो, ये मेरा आई यानी दिस इज द पोजिशन, मैं आई की मार्किंग कर देता हूं, ओके। अब ये है स्टार, दिस इज द पोजिशन, तो लुक एट द हाइट, मिल गया? हाँ,
तो जहाँ पे मैं हूँ यानी मेरी आंखें हैं वहाँ से लेकर स्टार तक का दिस इज हाइट, दिस इज कॉल्ड एज रियल लेंथ, रियल लेंथ। तो लुक एट दिस, आंखें आंखों के लेवल पे एरो लिया, कहाँ तक लिया, स्टार तक यानी ऑब्जेक्ट। जब स्पेस से एक लाइट रे धरती के एटमॉस्फेयर में एंड करती है तो वो एक्चुअल में रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, और जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब मैंने कहा आई से स्टार का लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज रियल लेंथ। अब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर हैविंग अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ह्यूमन आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। इंसान की आंखें हमेशा इमेज तैयार करती है स्ट्रेट लाइन में। अब जो लाइट रे हमारी आंखों में आया तो हमारी आंखें उसको स्ट्रेट लाइन में तैयार करेगी। तो स्टार से इस पर्टिकुलर जो है डिस्टेंस को अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 6.5 सेंटीमीटर है। अगर मैंने इसे स्ट्रेट किया तो इट विल बी लाइक दिस। ह्यूमन आई हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन, और जब इमेज स्ट्रेट लाइन में तैयार हुई तो स्टार का इमेज यहां पे बन गया, स्टार का इमेज इस पॉइंट पे बन गया। अब बताओ मुझे रियल लेंथ क्या था, यहां से इतना, और अब हम अभी भी वहीं पे हैं अर्थ पे, ये मेरी आंखों से लेकर अब मैं इमेज के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सो हियर दिस इज माय आई, दिस इज माय पोजीशन, और अब इमेज के लिए लाइन बनाई। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसे कहते हैं एपरेंट लेंथ। तो अब जरा देख कर बताओ रियल लेंथ ज्यादा है कि एपरेंट लेंथ ज्यादा है। तो आपका आंसर आएगा एपरेंट लेंथ, यानी तारे एक्चुअल में क्लोज होते हैं पर हमारी आंखें जब इमेज तैयार करती है तो इमेज दूर तैयार होता है, इसीलिए तारे भी हमें कैसे दिखाई देते हैं, दूर। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, वाई स्टार अपीयर्स एट लॉन्गर डिस्टेंस देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। जितने दूर तारे होते हैं उससे वो दूर क्यों दिखते हैं। आंसर, when light ray refracted and reaches to eye, ह्यूमन आई हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। Human eye have the tendency to form the image in a straight line. As the image is formed at longer distance, image hi dur tayar hui. As the image is formed at longer distance, star appears to be at longer distance than its actual position. Now here, our question tha, why star appears to be at a longer distance than its actual position? Jitne dur tare hote hain उससे वो दूर क्यों दिखते हैं। देखिए यहां पे स्टार ऑब्जेक्ट कहां पे कहा मैंने, स्पेस को क्या कहा, रेयरर मीडियम। लाइट रे आया एटमॉस्फेयर में अर्थ के, मीडियम क्या हो गया, चेंज। मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे आया आंखों में। अब यहां पे मैंने कहा था कि अगर मैंने यहां पर आई से लेकर इस स्टार तक का अगर लेंथ लिया तो इस लेंथ को कहते हैं रियल लेंथ, रियल लेंथ। अब हमने कहा कि हाँ तारे इतने दूर होते हैं, क्वेश्चन क्या है, जितने दूर तारे होते हैं, जितने दूर स्टार होते हैं उससे वो दूर क्यों दिखते हैं। तो मैंने कहा था यहां पे कि स्टार्स जो होते हैं हमारे लिए वो दूर दिखते हैं क्योंकि हम इमेज दूर तैयार करते हैं। लुक एट दिस, Human eye have the tendency. This is human eye. Human eye have the tendency to form the image in a straight line. अब जरा देखो ये जो लाइन है इसको तुम स्ट्रेट कर दो, ये टेढ़ा है, चलो यहां पे देखो। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये स्केल है, इस स्केल के इस पॉइंट को पकड़ के रखा, अब मैंने इसको सीधा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी हैव टू डू हियर। ये है स्केल, अब इस स्केल को हमने सीधा कर देना है।
तो जब हम ऐसे स्केल को सीधा कर देंगे तो यू विल फाइंड दैट, मैं काउंट कर लेता हूं, ये हो गया 30 सेंटीमीटर और ये हो गया 37, 30 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर मोर, नाउ 7 सेंटीमीटर, नाउ लुक एट दिस, दिस इज इमेज ऑफ स्टार। अब ये जो लाइन थी ये हो गई थोड़ी बेंड, हमने क्या कर दिया उसको सीधा, तो ये जो लाइन जो बेंड वाली थी हमने उसको स्ट्रेट कर दिया। ह्यूमन आई हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द इमेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जरा इमेज देखो कहां बन गया, यहां पे। तो अब ये वाली लाइन को देखो, नाउ व्हाट इज दिस अपेरेंट इमेज। बोले सर तारे यहीं पर हमें दिख कहां पे रहे, यहां पे। स्टार का पोजीशन ये है पर दिख कहां पे रहा, दूर। एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस, एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस, स्टार अपीयर्स एट लॉन्गर डिस्टेंस दैन इट्स एक्चुअल पोजिशन। तो जितने दूर तारे होते हैं उससे वो ज्यादा दूर दिखते हैं, क्योंकि इमेज कहां पे बन गई, दूर। मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, कैमरे से थोड़ा क्लोज हूं, अब मैं थोड़ा दूर चला गया तो आपको मैं दूर दिख रहा हूं। अब इमेज ही दूर बनेगी तो आपको क्या दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट रिमेंबर क्लासरूम प्रोग्राम में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आज पहली बार हम लोगों ने बोर्ड पे इसीलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर से एक बार बता दूं, एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस, स्टार अपीयर्स टू बी एट लॉन्गर डिस्टेंस देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। सो व्हेन लाइट from star reaches atmosphere, medium changes. As the medium change, there occur a refraction. The light ray reaches to eye. Human eye have the tendency to form the image in a straight line. As the image is formed at longer distance, that's why star appears at longer distance. So real lenses are the apparent. ठीक है, बाकी कल देखते हैं हम लोग। थैंक यू।